हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पलवल के गांव दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। माननीय राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में 2 मानद PhD एवं 159 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण होने पर डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा, पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, प्रथला विधायक नयनपाल रावत, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए लोगों को भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में हुनर प्रदान किया जाता है ताकि युवा स्वरोजगार अपना कर आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति से देश में नए युग की शुरुआत हो रही है। युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए उनके हाथों में कौशल प्रदान करना जरूरी है। कौशल के माध्यम से ही देश का युवा आत्मनिर्भर बन सकेगा। नई शिक्षा नीति में कौशल पर बल दिया जा रहा है। हर्ष हो रहा है इसलिए यह विश्वविद्यालय देश का पहला अपनी तरह का कौशल विश्वविद्यालय जहाँ विश्वविद्यालय का पहला ही दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। आप भगवान विश्वकर्मा जी का जयंती साथ ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। मैं इन अवसरों के लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। यही वर्तमान में प्रधानमंत्री जी ने देश के नवनिर्माण का अभियान शुरू किया। मैं आप सबसे आज अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, हम सब लोग ठहर कर उनको जन्मदिवस की शुभकामना के लिए हम थालियां मारते हुए सब लोग उनको जन्मदिन की शुभकामना देना चाहिए, ऐसा मेरा आशय है। हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम के औद्योगिक इकाइयों में दक्ष युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को एक नई शिक्षा देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि युवाओं को अलग अलग कार्य क्षेत्र में निपुण करना है। जिस व्यक्ति में बच्चों को हम शिक्षा देने पर ट्रेन करेंगे उसी में हम नौकरी लेने का भी काम करेंगे, तो इस तरह से ये बेरोजगारी को कम करेगा मानवन जी। इससे हमारे पलवल और पिता के जो दुर्गम क्षेत्र है पलवल और पिता गुड़गांव या सबसे ज़्यादा बच्चों की जरूरत हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई सा भी क्षेत्र हो, ये क्षेत्र में बच्चों को निपुण होना बहुत जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी उसका काम करेगी, ये यूनिवर्सिटी ये दिशा में लेकर काम करेगी। जो सरकारी नौकरी पर लोग भागते हैं उससे लोग कहीं मैं अपना रोजगार स्वयं कराता हूँ, और सरकार की नीति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है कि हमें उस पर काम करना है, आदमी को अपने कार्य क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, उसे बाहर बात नहीं भागना अपने नौकरी के लिए, जिस भी क्षेत्र में हो वो आदमी काम करे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है और मुझे भरोसा विश्वास है यूनिवर्सिटी में राजनगर की सारी नाना साहब सभी टीम है, ये मिलकर इस यूनिवर्सिटी को आगे लेते जाएंगे। मैम जी जितने इन्होंने कॉमर्स के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में टीम ने काम करा है ये बधाई के पात्र है, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जिसको हमारे उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोगों को बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं सारी टीम का, मैं महामहिम राज्यपाल जी का एक पलवल में इस यूनिवर्सिटी में
मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय जय भारत।